बिल्कुल मेरी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, बिल्कुल मेरी जैसा हो। भाई और बहनों, मुझको वोट दो, मैं आपके लिए नए रोड बनाऊंगा, नए पुल बनाऊंगा। पुल के लिए नदी कहाँ से लाएगा? अरे नदी वाला पुल नहीं, फ्लाईओवर जिसमें ऊपर से गाड़ियाँ जाती है। तो फिर नीचे से कौन जाता है? अभी नीचे से भी गाड़ियाँ जाती है। तो इंसान कहाँ से जाएंगे? अबे ओ फुर्सती शैतान, मैं इलेक्शन जीत के मंत्री बनना चाहता हूँ, ताकि मैं लोगों के लिए सड़क बना सकूं। गली वाली सड़क या हाईवे वाली सड़क? हर तरह की सड़क बनाऊंगा जिसमें गड्ढे नहीं होंगे। तो फिर गड्ढे कहाँ होंगे? ये क्या मालूम यार, बस इतना पता है अगर मैं मंत्री बना तो लोग ट्रैफिक में नहीं फंसे, रोड मक्खन के जैसे चिकनी होगी। फिर तो लोग फिसल फिसल के गिरेंगे। अरे मक्खन मैंने मुहावरे के लिए बोला था भाई। पर मक्खन मुहावरे के लिए नहीं, ब्रेड के लिए होता है। अबे रास्ते से नाश्ते पे आ गया क्या? बात को समझ, मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। पर तू तो सड़क पे खड़ा है। अरे यहाँ तो मैं वोट मांगने आया हूँ भाई। मांगना अच्छी बात नहीं, इंसान को अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। मेरे भाई मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा, तू जा यहाँ से। मजदूरी में क्या करेगा, पत्थर उठाएगा या पत्थर तोड़ेगा? मैं तेरा सर तोड़ दूंगा, समझा? सर टूट गया तो मैं समझूंगा कैसे? अभी मुझसे गलती हो गई, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। अगर तू कुछ नहीं कहेगा तो सुनूंगा कैसे? अरे मुझे छोड़, जाके म्यूजिक सुन। पॉप म्यूजिक या सैड म्यूजिक, जो तुझे पसंद है वो सुन मेरे भाई। मुझे तो आलू पालक और भिंडी पसंद है। खाने और गाने का क्या कनेक्शन है? खाना भी मुँह से खाते हैं और गाना भी मुँह से गाते हैं। इन्हें मुझे ज्ञान देकर जिंदगी भर के लिए मेरी आँखें खोल दी मेरे भाई। जिंदगी भर आँखें खुली रहेंगी तो सोएगा कैसे? पापा, सोने के लिए मम्मी की लोरी सुनते हैं। अरे लेट मत, चुनाव में लेटना है कि खड़ा होना है? अरे अरे अरे, कोई मुझे बताएगा लाइन में खड़े होने के लिए कितना बड़ा स्केल चाहिए?